नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग 152D के निर्माण के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए किसान पिछले काफी समय से प्रति एकड़ 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अब थक हार कर किसानों ने महापंचायत कर आर पार की लड़ाई करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि नंदगढ़ बारहा के प्रधान होशियार सिंह दलाल और जुलाना बारहा के प्रधान राजमल लाठर की अध्यक्षता से हुई महापंचायत में बहादुरगढ़ जिले से भी भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रमेश दलाल ने बताया कि सर्वसम्मति से फैसला कर सरकार के सामने 4 मांगे रखी गई हैं, जिनमें पहली मांग है कि जुलाना और दादरी जिले में 152D के निर्माण के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, हरियाणा को उसके अधिकार का SYL नहर का पानी दिया जाए। तीसरी मांग है कि हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन कर 3G फॉर्मूला लागू किया जाए। इस फॉर्मूले के तहत अपने गोत्र गुहांड और गाँव में विवाह निषेध किया जाए और पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर बांध बनाकर रोक लगाई जाए। हालांकि महापंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला कर सरकार को सभी मांगे मानने के लिए 11 जून तक का समय दिया है। अगर 11 जून तक सरकार ने सभी मांगे नहीं मानी तो किसान जुलाना से गुजरने वाली रोहतक लुधियाना रेल लाइन को रोककर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही दादरी से गुजरने वाली रेवाड़ी फाजिलका रेल को भी रोक दिया जाएगा। अगर इसके बाद 13 जून तक भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो झज्जर जिले के जाखौदा असौदा से गुजरने वाली दिल्ली भटिंडा रेल को रोका जाएगा। साथ ही झज्जर जिले के मांडौठी गांव से गुजरने वाली गुरुग्राम नहर को भी रोक दिया जाएगा और अगर 15 जून तक भी सरकार ने मांगे स्वीकार नहीं की तो अनिश्चितकालीन के लिए हरियाणा बंद कर दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि अगर पंजाब हमारे हक का पानी नहीं देगा तो हम भी पंजाब जाने वाली सारी रेलों को रोक देंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बने राजकीय नलकूपों का संचालन सही ढंग से नहीं होने की वजह से किसानों को जायद की फसलों की सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। विद्युत और यांत्रिक दिक्कतों की वजह से क्षेत्र के करीब 30 नलकूपों का संचालन ठप पड़ा है। शिकायत के बाद भी नलकूप विभाग की ओर से ट्यूबवेलों की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र में 62 राजकीय नलकूप हैं, इनमें करीब 30 नलकूप बंद पड़े हैं। इस समय किसान अपने खेतों में जायद की फसल की सिंचाई को लेकर काफी परेशान हैं। नहरों का संचालन भी बंद चल रहा है, ऐसे में किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए राजकीय नलकूपों का भी सहारा नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं गोपालपुर गांव में बने नलकूप संख्या 44SD पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में इस समय ककड़ी, खीरा, तरबूज समेत बाकी मौसमी सब्जियां लगी हुई हैं, लेकिन इनकी सिंचाई के लिए पानी की समस्या आड़े आ रही है। नलकूप से पानी नहीं मिल रहा है और नहरों का संचालन भी बंद पड़ा है, ऐसे में निजी नलकूप के सहारे किसी तरह से महंगे दाम पर सिंचाई करानी पड़ रही है। हालांकि क्षेत्र के SDM ने किसानों की शिकायत पर विभाग को नलकूप ठीक कराने का आदेश दे दिया है। भाजपा ने एक बार फिर बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। NDA को बहुमत मिलने के बाद वित्त मंत्रालय में पूर्ण बजट तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में वित्त मंत्रालय किसानों की मदद के लिए 30% ज्यादा राशि का आवंटन कर सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए कई फ्लैगशिप योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। खबरों की माने तो इस बार के पूर्ण बजट में किसानों के समर्थन में कई आकर्षक योजनाओं की घोषणा हो सकती है। इसमें MSP में बढ़ोतरी, कर्ज पर ब्याज दरों में सब्सिडी और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देने की घोषणाएं शामिल है। आपको बता दें कि फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 144% की बढ़ोतरी की गई थी और इसको साल 2018 से 19 के 57,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,40,764 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जबकि अब जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 30% की बढ़ोतरी और हो सकती है और इसको बढ़ाकर 1,83,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। तो दोस्तों, किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।